हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ फार्मूला है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। जैसे फर्स्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्म। हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जितनी भी इक्वेशन होनी चाहिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। और उसके नीचे हमें फार्मूला लिखे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। ये फार्मूला यूज़ करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2.4 का पहला क्वेश्चन है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू में लिखनी है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। तो चलिए कंपेयर करते हैं। Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वैल्यू बराबर आ रहा है 2m square is equal to 5m plus 5। मैंने बोला था इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉरी माइनस फाइव है, हमें इस इक्वेशन क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमें ये दो जो टर्म है उनको इस साइड लाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस होगा और ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2m स्क्वायर अपनी जगह पे है, इधर लाए माइनस 5m, ये इसको यहाँ लेके आए प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विद यहाँ पे ए एक्स लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे एम दिया है, वैल्यू तो हम एम ही लिखेंगे। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू एम स्क्वायर के आगे क्या है 2, तो ए की वैल्यू 2 हो गई। बी इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू हो गए 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। मैंने बताया था इक्वेशन को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, इसकी वजह से 7 को इस साइड लेना पड़ेगा। वाई स्क्वायर 7 यहाँ प्लस है इस साइड है तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a दिया है, b दिया है कि c नहीं दिया है, तो c हम अपने मन से 0 एज्यूम करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी से हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है सॉल्व यूजिंग फार्मूला, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। पहला एक क्वेश्चन है उसमें सेकेंड का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। हाँ, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए बी सी की वैल्यू जरूरी है, इसीलिए ए बी सी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी है 1, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 5। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया एक्स फाइंड करने के लिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। हम क्या करते हैं, पहले इस फार्मूले का केवल बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 5। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 बन जाए 4, 4 5 जा 20, 36 में से 20 माइनस करें कितना आ जा रहा है 16। अब हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। बी स्क्वायर 4 ए सी की वैल्यू आ चुकी है। अपना फार्मूला हमारा है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए इक्वल। माइनस की माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है 6, प्लस माइनस
बी स्क्वायर फोर एसी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 16, यहाँ पे हम 16 रखते हैं अपॉन 2 इनटू ए की वैल्यू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, इट विल रिमेन सेम, प्लस माइनस रूट 16, रूट 16 की वैल्यू होती है 4 अपॉन 2 इनटू 1, 2 इन द 2, यहाँ पे देख रहे हैं हम दो मार्क है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों मार्क अलग अलग करके हम लिख लेते हैं, x is equal to minus 6 plus 4 upon 2 और x is equal to minus 6 minus 4 upon 2, x is equal to minus 6 plus 4, minus 2 आएगा because 6 में से minus कर रहे हैं हम 4, लेकिन बड़ा नंबर minus है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा minus 2 upon 2 और x is equal to minus 6 and minus 4, minus 6 और minus 4, minus 10 हो जाएगा upon 2, x is equal to 2 से 2 cancel और 2 जा 2, minus 1 आ जाएगा answer और x is equal to आ गया हमारा minus 5, यहाँ पे question number 1 हमारा solve, question number 2 का 2 है, x square equation दिया है यहाँ पे, x square minus 3x minus 2 is equal to 0, first अब देख लीजिए ये standard form में है या नहीं, हाँ ये standard form में है क्योंकि सारे के सारे terms equal के एक side में हैं, चलिए इसे compare कर लेते हैं, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, a की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी minus 3 and c की वैल्यू हो जाएगी minus 2, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, मैंने बोला था जैसा आपके फार्मूला का हम केवल b square minus 4ac ही फाइंड करेंगे, चलिए निकालते हैं b square minus 4ac, b का स्क्वायर इज minus 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू दी गई है 1 इनटू c की वैल्यू कितनी है माइनस 2, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इनटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस माइनस ये भी क्या हो गया प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 और 8 को 8 ऐड कर देते हैं हम तो आता है 17, ये b स्क्वायर 4 इसी की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, उसके बाद हम अपना फार्मूला करते हैं, फार्मूला हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए इक्वल माइनस थ्री माइनस बी की वैल्यू दी गई माइनस थ्री सो वी हैव टू पुट इन ब्रैकेट बिकॉज माइनस थ्री इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी की वैल्यू हमने पहले से फाइंड करके रखा है सो यहाँ पुट कर दिया रूट 17 अपॉन टू इन टू ए की वैल्यू कितनी है 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस 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 इनटू माइनस विल बी प्लस तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे प्लस माइनस 17 रूट 17 की वैल्यू नहीं होती है तो एज इट इज को कॉपी कर लेते हैं रूट 17 अपॉन 2 इन द 2 अब यहाँ पे दो मार्क है जैसे मैंने बताया दो मार्क रहते थे और प्लस एक बार माइनस करके हमें अलग अलग लिखना पड़ता है x is equal to 3 plus root 17 upon 2 और x is equal to 3 minus root 17 upon 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग विद ए x नहीं लिखना है बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल m दिया है तो हम भी फार्मूले को यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 बी की वैल्यू हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 बता रहे मैंने ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं एम स्क्वायर के जो आगे रहेगा उसे बोलेंगे ए और एम के आगे जो रहेगा वो बी और लास्ट वाला बचा हुआ सी अब हमें फार्मूले का केवल बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू फाइंड करनी है b स्क्वायर माइनस 4 ac b का स्क्वायर माइनस सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 3 इनटू ब्रैकेट में माइनस 7 ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे बिकॉज़ ये माइनस नंबर है इसलिए हम ब्रैकेट में रख रहे हैं इसे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस इनटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 से 12 12 का 7 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 ऐड कर देते हैं तो 88 यहां पे b स्क्वायर माइनस 4 ac की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है अब अपना हम फार्मूला लगाते हैं हमारा फार्मूला है x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a
लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं लिखना है बिकॉज मैंने बोला था आपको यहाँ पे वेरिएशन अगर यम दिया है तो हम यहाँ फॉर्मूले में भी क्या लिखेंगे यम ही लिखेंगे यम इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस के लिए माइनस रखे बी की वैल्यू कितना दिया था टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू दिया हुआ है 88 हमने निकाल के रखा है अपॉन टू इन टू ए की वैल्यू है 3 यम इज इक्वल टू माइनस टू विल रिमेन सेम प्लस माइनस 88 का रूट नहीं होता है लेकिन 88 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 22 अपॉन 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा माइनस 2 ऐसे रहेगा प्लस माइनस 4 का रूट कितना होता है 2 एंड 22 रूट में वैसे रहेगा अपॉन 6 इसको यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है 2 हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 6 2 से 6 को कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3 यहाँ पे दो मार्किंग है एक प्लस है एक माइनस है तो हम इसको आंसर को अलग अलग करके लिख लेंगे सो देयर फोर एम इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग विद ए एम स्क्वायर बिकॉज वेरिएबल एम दिया है तो एम लिखेंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं हम पहले क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बी स्क्वायर इज माइनस 4 का स्क्वायर माइनस की माइनस लगाए 4 की जगह 4 लिखेंगे ए की वैल्यू दी गई है 5 इंटू सी की वैल्यू है माइनस 2 माइनस वाले नंबर को हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं माइनस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस विल बी प्लस 4 हो जा 16 माइनस एंड माइनस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 4 का 5 में करें 20 20 का 2 में करेंगे तो आगे है 40 ऐड कर देते हैं 56 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू आ चुकी है 56 अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं m इज इक्वल टू यहाँ x नहीं लिखेंगे m लिखेंगे क्योंकि अपना वेरिएबल m दिया हुआ है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए इसको माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है माइनस 4 अभी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा बिकॉज ये माइनस तो यहाँ तक दिया हुआ है बट ये इसका खुद का माइनस है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 ए सी की वैल्यू हमने निकाला है 56 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दिया हुआ है 5 यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस माइनस टू टाइम है माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस एम इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 56 को हम स्प्लिट कर देते हैं इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 14 अपॉन 2 फाइव 10 प्लस 4 वैसे रहेगा प्लस माइनस रूट 4 रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 14 में रूट वैसे 14 में रहेगा 14 रूट में रहेगा अपॉन 10 अब देखते हैं यहाँ भी 2 है यहाँ पर भी 2 है 2 हम कॉमन लेते हैं जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 10 2 को 10 से कैंसिल करते हैं आ जाएगा 5 2 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 5 यहाँ पे प्लस माइनस दो मार्किंग है हमें आंसर को अलग अलग करके लिखना पड़ेगा तो आंसर लिख देते सो देयर फोर एम इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और एम इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5 ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2 मैंने बोला है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ता है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है 3 को हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से हटाना पड़ेगा और 2 को इस साइड लेके आना पड़ेगा
पहले हम क्या करते हैं, 3 को हटाने के लिए 3 के यहां पे डिवाइड है सो मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म पे भी, इस टर्म पे भी, इस टर्म जितने भी टर्म है 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3y² प्लस, अगर यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 1/3 अगर 3 करते हैं तो 3 कैंसिल और कितना आएगा 1 आएगा, तो हम यहां पे क्या बचेगा 1y नहीं लिखेंगे, बस हम क्या लिखेंगे और y is equal to 3 का 2 में करें कितना हो जाएगा 6। अब 6 को इस साइड लाना पड़ेगा, 3y² plus y minus 6 is equal to 0। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म होते ही हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद ax² लेकिन x नहीं लिखे तो वेरिएबल यहां पे y दिया है, कंपेयरिंग विद ay² plus by plus c is equal to 0। a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 1, कुछ भी नहीं दिया है तो 1 एज्यूम करेंगे और c की वैल्यू दी है -6। अब हमें b² minus 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है, b² minus 4ac, b² means 1² minus 4, a का वैल्यू कितना है 3 और 6 का वैल्यू और c का वैल्यू -6, हमें ब्रैकेट में पुट करना होगा माइनस है इसलिए ब्रैकेट में 1² वही रहेगा, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस 1 73। यहां पे b² 4ac की वैल्यू हमारी फाइंड कर लिया हमने। अब हम अपना फार्मूला यूज करते हैं, हमारा फार्मूला है y is equal to minus b plus minus root b² minus 4ac upon 2a, माइनस की माइनस की हमने b की वैल्यू देख रहे हैं 1 दिया है 1 लिखे प्लस माइनस root b² minus 4ac की वैल्यू हमने निकाला था 73, यहां पे 73 पुट करते हैं upon 2 into a की वैल्यू दी है 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहां पे हम 6 लिखिए माइनस 1 प्लस माइनस root 17 की वैल्यू नहीं होती, इट विल रिमेन सेम। अब यहां पे दो मार्क, एक प्लस एक माइनस है, दोनों को अलग अलग दे देते हैं, y is equal to minus 1 plus root 73 upon 6 और y is equal to minus 1 minus root 73 upon 6। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th भी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 वाला है, 5x² plus 13x plus 8 is equal to 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं पहले देख लेते हैं, हां स्टैंडर्ड फॉर्म है, है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² plus bx plus c is equal to 0, a की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 13 और c की वैल्यू हो जाएगी 8, a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब जैसा मैंने आपको बताया था फार्मूले का b² minus 4ac फाइंड करना है, b² minus 4ac, b का स्क्वायर 13 का स्क्वायर minus 4 into a की वैल्यू कितना है 5 into a, 13 का स्क्वायर करते हैं 169 minus 4 5 is 20, 20 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं आता है 169 में से 160 माइनस करते हैं आता है 9, b² 4ac की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 9। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला हमारा x is equal to minus b plus minus root b² minus 4ac upon 2a इक्वल लगाओ minus b, माइनस रहेगा वैसे ही है, b की वैल्यू कितना है 13 प्लस माइनस root b² 4ac की वैल्यू कितनी है 9 upon 2 into a, a की वैल्यू कितनी है 5, x is equal to minus 13 वैसे रहेगा plus minus root 9, root 9 की वैल्यू होती है 3 upon 2 5 is 10, यहां पे दो मार्क है plus एक minus अलग अलग हम दे देते हैं, x is equal to minus 3 plus minus 13 plus 3 upon 10 और x is equal to minus 13 minus 3 upon 10, x is equal to minus 33, 13 में से 3 माइनस करें 10 आएगा लेकिन बड़ा नंबर यहां पे माइनस है सो आंसर क्या आएगा माइनस 10 अपॉन 10 और x is equal to minus 13 और minus 3 minus 16 अपॉन 10, इसको कैंसिल करते हैं तो x is equal to आ गया 10 1 जा 10 माइनस 1 आएगा और x is equal to इसको 2 से कैंसिल करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं
तो माइनस 8 और 5 ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां पे सॉल्व होता है। और का क्वेश्चन नंबर 3 है विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट दिया हुआ है गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन दिया उसे सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट उन्होंने पूछा है ए बी सी की वैल्यू और सेकंड उन्होंने पूछा है बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू, बाद में उन्होंने बोला है फार्मूला लिखिए और लास्ट में बोला है ए बी सी की हेल्प से रूट फाइंड करते हैं। चलिए अभी फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स लिखना भूल गए, एक्स प्लस 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं कंपेयर करके। स्टैंडर्ड फॉर्म आया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना है, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के जो आगे रहता है 1 और बी की वैल्यू है एक्स के जो आगे रहता है 2√3 और सी की वैल्यू है 3। ए बी सी की वैल्यू हमने लिख दिया है, उसके बाद हम फार्मूला अपना यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करो। चलो निकाल लेते हैं अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। बी स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 3, 2 का स्क्वायर करेंगे हम 4 हो जाएगा, √3 × √3 करेंगे तो ओनली 3 बचेगा, माइनस 4 × 4 = 12, 4 × 12 = 12 − 12। बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। अब हम अपना फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस के माइनस माइनस दी देते हैं इक्वल लिखे, माइनस के माइनस लिखे, बी की वैल्यू दी गई है 2√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू कितना है 0 अपॉन 2 × a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2√3 ये तो हट जाएगा अपॉन 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल करते हैं आता है −√3। लेकिन जैसा हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं, इसीलिए इसके भी दो आंसर होंगे। हम इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू −√3 और x इज इक्वल टू −√3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया।